लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 2 दिवसीय भारत की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद से की। यहां पहुंचे ट्रंप ने शहर के मोटेरा स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ के बीच नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया। मोटेरा स्टेडियम में लाखों की भीड़ के बीच नेशनल डेस्क के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 2 दिवसीय भारत की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद से की। यहां पहुंचे ट्रंप ने शहर के मोटेरा स्टेडियम में लाखों लोगों की भीड़ के बीच नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया। मोटेरा स्टेडियम में लाखों की भीड़ के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की एक खास तस्वीर देखने को मिली। दरअसल भाषण देने के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीच में रुककर पीएम मोदी से हाथ मिलाया। इसके बाद स्टेडियम में जुटी लाखों की भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके इस कदम का स्वागत किया। काफी मजबूत है चाय वाले मोदी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, अमेरिका भारत से प्यार, उसकी इज्जत करता है और भारत के लोगों का हमेशा वफादार और निष्ठावान दोस्त बना रहेगा। हम हमेशा भारत के इस भव्य स्वागत को याद करेंगे। भारत हमारे दिल में विशेष स्थान रखता है। पीएम मोदी ने अपना करियर चाय वाला के तौर पर शुरू की थी। उन्होंने एक चाय बेचने वाले का काम किया है। हर कोई उनसे प्यार करता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, वे बहुत मजबूत है। मोदी के नेतृत्व में तेजी से बढ़ रहा है भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ज्यादातर घरों में लोग गैस पर खाना बना रहे हैं। भारत में काफी सारी विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी यहां के लोगों की एकता विश्व में एक मिसाल है। ट्रंप ने शाहरुख से लेकर कोहली और भांगड़ा से दिवाली तक का किया जिक्र। मोटेरा स्टेडियम में अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र की फिल्म शोले, क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली भांगड़ा डांस, भारत के रंगों के त्योहार होली और दीपों के त्योहार दिवाली का जिक्र करके भारतीयों का दिल छूने की कोशिश की।